वो कहते हैं ना कि जब भी आप किसी नए देश में जाओ तो वहां के सभ्यता, संस्कारों, संस्कृति को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हरकत करनी चाहिए, वरना वो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब किम करदाशियां हैं या किम करदाशियां हैं, जो भी हैं, जो भी अदाएं हैं उनकी, वैसे तो बड़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में, हॉलीवुड में। अब अंबानी जी के घर पर शादी थी उनके बेटे की, तो वहां पर भी गेस्ट बनकर आई हुई थी, लेकिन सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी, आप कह सकते हैं कि जानबूझकर की या जाने अनजाने में की, या बॉलीवुड वालों ने उन्हें आइडिया दिया होगा कि देखो तुम ऐसा करोगी ना तो लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगी, यहाँ पर जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं ना ये तुरंत ही रुद्र अवतार ले लेंगे कि कैसे किया, हमारे संस्कारों के साथ खिलवाड़, हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़, और तुम रातों रात वायरल हो जाओगी इंडिया में भी, जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। और हुआ भी ठीक है ऐसा। मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कपड़े पहनकर किम ने क्या किया, गणपति बप्पा की मूर्ति है और उसके ऊपर यूं ऐसे हाथ रख के तस्वीरें निकलवा रही है। अब आप सोचिए कि जो लोग भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वाकई में चोट करने वाली चीज है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतने बड़े नामचीन आदमी हो, सॉरी औरत हो, तो उसके बाद आपको ये शोभा नहीं देती है। और मानो या ना मानो, ये आइडिया किम को बॉलीवुड के लोगों ने ही दिया होगा कि तुम ऐसा करो, पॉपुलरिटी तो बटोर ली हो, पैसे मिली गई हैं अंबानी जी के यहाँ से, अब ये हरकतें कर लो तो ऑलरेडी वायरल हो जाओगी, फिर उसके बाद बॉलीवुड में फिल्में मिलेगी, तुम्हारा भी यहाँ पर कुछ काम धंधा चलते रहेगा, तुम्हें भी रोजगार मिल जाएगा, बाकी देश के युवा को रोजगार मिले या ना मिले तुम्हें जरूर मिल जाएगा, जैसे बाकी के लोगों को मिला है। तो ये तस्वीरें देखने के बाद बहुत बुरा लगा, खासकर देखिए महाराष्ट्र में गणपति बप्पा को लेकर जो इमोशन है ना वो इमोशन कुछ अलग ही होता है। अभी जब गणपति बप्पा का टाइम आ रहा है, जब गणपति बप्पा आएंगे, अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है, जगह जगह पर मूर्तियां बननी शुरू हो गई है, और ऐसे वक्त में मैं यकीनन इस दावे से कह सकता हूं कि किम को बॉलीवुड के लोगों ने ही ये कहने के लिए, करने के लिए कहा होगा कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करो, देखो वायरल हो जाओगी, और हुआ भी वही, उसके बारे में बात हो रही है। अब किम ने भले ही वो फोटो डिलीट कर दी, लेकिन जो भाई नुकसान करना था, जो डैमेज होना था, वो तो हो ही चुका है। तो बॉलीवुड के लोग इतने खतरनाक हैं, इनको पता है कि लोगों के सेंटिमेंट कहां पर जुड़े हुए हैं और कहां पर किसकी भावनाएं आहत की जा सकती है।